एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी किचन चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस सी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, येट बहुत ही डिलीशियस है। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और आप इसे किसी भी ओकेजन पे बना के खा सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है। सालों में मैंने यहाँ पे एक चम्मच नमक लिया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 कप दही और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए सारे मसाले हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, अब मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, अब मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें अपना रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी नॉर्मल ऑयल का यूज कर सकते हैं। मैं इसमें 1 कप दही भी ऐड कर दूंगी और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको 1 आवर के रख दूंगी। 1 घंटा हो चुका है और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलिए अब हम इसे पकाने के प्रोसेस में चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम अपने चिकन के पीसेस को इसमें डाल के इसे अच्छे से कुक करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैं इसे कुक कर रही हूँ। पहले हम इसे एक तरफ से अच्छे से पक जाने देंगे और फिर हम इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से पकाएंगे। चिकन को पकने में मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए और ये देखिए हमारा चिकन टिक्का अच्छे से पक चुका है। टिक्का हमारा अच्छे से पक चुका है। अब आती है बारी इसकी ग्रेवी रेडी करने की, यानी कि चिकन टिक्का मसाला रेडी करने की। चाहिए 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून फेनल सीड्स और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के अनियन को चॉप कर लिया है और सेम 1 मीडियम साइज के टमाटर को भी चॉप करके रखा है। मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, इसमें मैं अपने अनियंस को अच्छे से फ्राई करूंगी। अनियंस को कुक हो जाने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और साथ ही अपने सारे मसालों को डाल देंगे। और अब हम इन मसालों को ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे और फिर हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी यूज कर सकते हो। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। टमाटर को बहुत अच्छे से गलाना है और ये देखिए हमारे टमाटर अब अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसमें अपने चिकन टिक्का के जो पीसेस थे उसको इसमें डालेंगे और इनको इस मसाले में कोट करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए हम
इन चिकन टिक्का को उस मसाले के साथ अच्छे से कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ अब, ताकि अच्छी सी कोटिंग आ जाए इनके ऊपर। में डालेंगे 2 कप पानी, तो 1 कप तो मैं इस मैरिनेटेड चिकन का जो बेस बचा हुआ है उसी में डाल करके इस पानी को डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा चिकन टिक्का मसाला कितना अच्छा दिखने लगा है। अब हम डालेंगे इसमें अपना 1 कप क्रीम। आप घर की बनी हुई क्रीम भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घर की बनी हुई मलाई यूज कर रही हूँ। क्रीम डालने के बाद हम इसे 2 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। और फिर हम इसमें डालेंगे अपनी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हमारे चिकन टिक्का में। इसे हम 2 मिनट ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये देखिए हमारा चिकन टिक्का मसाला बन के एकदम रेडी है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोरिएंडर की लीव्स डालेंगे। सर्व करने के लिए और खाने के लिए एकदम रेडी है। आप अपने घरों में ये ज़रूर बनाइए, घर आए मेहमानों को इस तरह से खिलाइए, वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।